एक व्यक्ति भारत में एक बैंक में कितने बचत खाते खुलवा सकता है? एक व्यक्ति एक ही बैंक में क्या एक से ज्यादा खाते खोल सकता है? तो जी हाँ, खोल सकता है। मेरे ही एक बैंक में 3 अकाउंट हैं, आपको प्रूफ दिखा दूंगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। चैनल पर अगर आप न्यू है, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस प्रकार की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है। तो बात करते हैं अकाउंट की। देखिए, जब भी आप खाता खुलवाने के लिए जाते हो किसी भी बैंक में, तो आप अपना पैन कार्ड देते हो और अपना आधार कार्ड देते हो। और ये जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है, ये केवल एक बार बनते हैं। आपने अगर पैन कार्ड बनवा लिया तो आपका दोबारा कभी पैन कार्ड नहीं बनेगा। आपने अगर आधार कार्ड बनवा लिया, दोबारा आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। हो सकता है कि इसमें आप करेक्शन करवा लो, पूरे का पूरा चीज को चेंज करवा लो, फोटो से लेके नाम सरनेम सब चेंज करवा लो, लेकिन जो आपका नंबर है वो वही रहेगा। तो ये तो क्लियर है कि आपका एक डॉक्यूमेंट लाइफ में। तो ऐसे में जब भी आप बैंक खाता खुलवाने के लिए जाते हो, तो यहां पर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगता है। तो आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड देते हो तो बैंक उसको अपने सिस्टम में सेव कर लेता है कि ये कस्टमर हमारे पास ऑलरेडी है। जब भी आप दूसरा अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे तो बैंक वो डॉक्यूमेंट डालेगा, तो यहां पर बैंक का सिस्टम एरर दे देगा कि ये कस्टमर का इस पैन कार्ड और आधार कार्ड से ऑलरेडी खाता खुला हुआ है, इस खाते को आप दोबारा से ओपन नहीं कर सकते हो इस पैन कार्ड पर और आधार कार्ड पर। तो ये तो क्लियर है कि एक व्यक्ति अपने एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड से दो खाते नहीं खुलवा सकता है। लेकिन समस्या यह आती है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अकाउंट ओपन किया था, कभी केवाईसी नहीं हो पाई, भूल गए, तो अब यहां पर क्या दोबारा खाता खोल सकते हैं उस बैंक में? तो यह प्रॉब्लम लगभग उनको ही ज्यादा आती है। देखिए, मैं बता दूं कि आप खाता खोल सकते हो, लेकिन आपको पहले वाला खाता बंद कराना पड़ेगा। कंटिन्यूटी दो खाते आप यूज नहीं कर सकते हो। आपने मान लीजिए एक खाता खोला, अब उसको खाते को आपने बंद करा दिया, अब उसके बाद आप दोबारा से बैंक के पास जाओगे, फिर से अपना अकाउंट ओपन करने का यहां पर फॉर्म भरोगे और आपका खाता खुल जाएगा। ऑनलाइन खुलना है तो ऑनलाइन खुल जाएगा, लेकिन जब तक आपका पहले वाला खाता बंद नहीं होगा तो आप दूसरा खाता बैंक में नहीं खोल सकते हो। कई सारे लोग होते हैं जो एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं मिनिमम बैलेंस वाला, उसके बाद उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो अकाउंट हो जाता है माइनस में, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे व्यक्ति भी जब एक खाता उसमें चल रहा है माइनस में या प्लस में, आपका अकाउंट ओपन अगर है, कोई सा भी अकाउंट ओपन है बैंक में, जनधन योजना का छोटा वोटा, तो आप यहां पर दूसरा खाता आप इस बैंक में ओपन नहीं कर सकते हो जब तक कि आप वो वाला खाता अपना पहला बंद ना करा देते हो। अब बात करते हैं, देखिए मैं अपनी, तो मेरे एक बैंक में 3 अकाउंट है, बताऊंगा कैसे हुए। आपने नाम सुना होगा आजकल न्यू बैंक्स का, फेडरल बैंक के साथ जो अकाउंट ओपन होते हैं, जुपिटर और एफआई की। तो सबसे पहले बात यह है कि मेरा अकाउंट ओपन था फेडरल बैंक में 0 बैलेंस वाला ऑलरेडी पहले से। इसके बाद आया न्यू बैंक्स जो है जिसका नाम एफआई, तो मैंने एफआई में अकाउंट ओपन किया, तो मेरा जो है एफआई वाला अकाउंट ओपन हो गया, जब मुझे एटीएम वगैरह मिल गया। इसके बाद आया जुपिटर, तो जुपिटर भी फेडरल बैंक से ही पार्टनरशिप करके रखा है, तो मैंने जुपिटर में भी अकाउंट ओपन करने का ट्राई किया और मेरा खाता ओपन हो गया। तीनों के तीनों अकाउंट मेरे ओपन हो गए और तीनों अकाउंट मेरे एक्टिव हैं जिन्हें मैं यूज करता हूं। कोई अकाउंट ओपन तो हो गए लेकिन वो अकाउंट ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए। फाइनली एक साल बाद एफआई ने मेरा जो अकाउंट था वो डीएक्टिवेट कर दिया, बोले आप दोबारा से अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड हमारे लिए सेंड करिए, हम फिर से चेक करेंगे। तो मेरा वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन बचा जुपिटर का अकाउंट है तो वो अभी चल रहा है। तो फाइनल दो अकाउंट मेरे अभी एक बैंक में चल रहे हैं, बट वो डायरेक्ट बैंक से ओपन नहीं हुए, वो किसी न्यू बैंक से ओपन हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर अकाउंट उसी के हैं, तीनों अकाउंट मेरे यूपीआई में लिंक हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि मैं यूपीआई से लिंक करके चलाता हूं। लेकिन अगर आज आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाओगे, अगर आपने किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा है और न्यू बैंक में खाता खोलोगे उसी के पार्टनर बैंक में, तब भी आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि एक बैंक में एक खाता ओपन होता है। लेकिन ये स्टार्टिंग में जब न्यू आई थी एप्लीकेशन है तो इतना कुछ सिस्टम ज्यादा इनका था नहीं, तो यहां पर पता नहीं क्यों मेरे 3 अकाउंट ओपन हो चुके थे। लेकिन आज अगर अकाउंट ओपन करने के लिए जाओगे आप एफआई जुपिटर में, तो आप एक ही एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन कर सकते। कई सारे लोगों को ये डाउट होता है कि एक बैंक में कितने खाते खोलें, तो आप केवल एक बचत खाता खोल सकते हो। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।